हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बर्थडे पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स एंड टीनेजर्स। अगर आप टीनेजर्स हो तो तभी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, एंड बिगनर्स हो तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया कि आप इस लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले सीटीएम बहुत ज़रूरी है। सो मैंने सीटीएम के लिए सबसे पहले यहाँ टोनर अप्लाई किया है। टोनर के लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर है, काफ़ी अच्छा टोनर होता है ये। सो उसका मैंने स्प्रे करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से डैप डैप करके एब्जॉर्व कर लिया है। देन यहाँ मैंने मॉइस्चराइजर लिया है, उसके लिए मैंने पिक किया है गुड वाइब्स का कोकोनट फेस क्रीम है, काफ़ी अच्छा फेस क्रीम है ये, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। देन हम अप्लाई करते हैं प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो, आप इवन आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ मैंने ये एन वाई बे का प्राइमर लिया था, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, इसको अप्लाई कर लिया है। और अभी मैंने यहाँ फाउंडेशन के लिए पिक किया है, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है ये, हाई कवरेज फाउंडेशन, बट इसकी कवरेज शेयर टू मीडियम कवरेज है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा इसकी कवरेज नहीं है, वाइट कास्ट देता है, बट ये थोड़े टाइम के बाद एक सेटल डाउन हो जाता है, इतना वाइट वाइट नहीं लगता है। इसकी मुझे फिनिश इतनी अच्छी नहीं लगी, ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा सा ग्लॉसी भी है। देन यहाँ मैं कंसीलर के लिए मैंने पिक किया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट है, इसमें से मैंने ये वाला शेड पिक करके अपने अंडर आई में अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से। आईलेट पर अप्लाई करूँगी एज ए बेस आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले, अपनी बुझती नोज़ पे, फोरहेड पे एंड माउथ के अराउंड अप्लाई कर लूँगी इसको। देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है ये एंड अफोर्डेबल रेंज में है ये पैलेट। सो इसको मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। देन इन सबको सेट करूँगी मैं पर्पल के कॉम्पैक्ट की हेल्प से, इसको मैं अप्लाई करूँ एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी, अपने अंडराई में अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि हमारा जो कंसीलर है वो क्रीज ना करे। मोस्टली हमारा कंसीलर ही क्रीज करता है, बेस हमारा सब कुछ अच्छे से रहता है लेकिन कंसीलर जो है क्रीज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अभी मैंने प्राउ जेल लिया है, ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है ब्लू हेवन का, और मैंने अभी हाल ही में इसकी वीडियो अपलोड की है, आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी। देन साथ ही मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, ये ब्लू हेवन का न्यू लॉन्च लिप बाम है, काफ़ी अच्छा लिप बाम है, बहुत जल्द इसके ऊपर एक सेपरेट रिव्यू आएगा। सो मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया, अभी मैंने आई शेडो पैलेट ली है, ये है SFR की हिटेड विद लव, और इसमें से मैंने ये वाला शेड पिक किए हैं और इसको मैं क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से। इन दोनों शेड को पहले मैंने फर्स्ट वाला शेड पिक किया, देन सेकंड वाला शेड पिक करूँगी और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेबल लगे। सो यहाँ मैंने सिर्फ क्रीज में कलर अप्लाई किया था और अभी मैं फुल क्रीज को कट कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। इसको मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर ग्लिटर आई शेडो, ये ग्लिटर आई शेडो है गोल्डन कलर का। सो जस्ट मैंने 2 या 3 शेड्स को पिक करके ही आई मेकअप क्रिएट किया है, बहुत सिंपल सा आई मेकअप है। सो ये लाइनर के लिए मैंने पिक किया है ये ब्लू हेवन का आई लाइनर है, इससे मैं एक सिंपल सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा थिकली नहीं, बहुत ही सिंपल सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन विंग लाइनर बनाया मैंने। सो कुछ इस टाइप से अप्लाई कर लिया, और बेकिंग के लिए मैंने मार्स का लूज पाउडर अप्लाई किया है, बनाना पाउडर। देन ब्लश एंड कॉन्टूर के लिए मैंने ये ली है क्लेमी कॉस्मेटिक की पैलेट है ब्लश एंड कॉन्टोर, इसमें से कॉन्टोर वाला शेड पिक करके अपने चिक्स को मैंने कॉन्टोर कर लिया है, फोरहेड को कॉन्टोर किया है एंड साथ ही अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर किया है। सो अभी मैंने जो भी बनाना पाउडर अप्लाई किया था बेकिंग के लिए वो मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी, और ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट यूज़ की है, उसमें से मैंने ब्लश पिक किया, देन अपने अपर लोफ चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लश और ब्रश की हेल्प से। सो अप्लाई कर लिया है, अभी यहाँ हाईलाइटर के लिए मैंने लिया है ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर गोल्डन मोल्ड है। सो काफ़ी प्रिटी शेड है, इसको मैंने अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से अपनी ब्रिज ऑफ दी नोज पे, चीक बोन्स पर अप्लाई किया है, क्यूपिड्स बो एंड चिन पर, फोरहेड पर भी, एंड सेम हाईलाइटर्स अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया है एंड साथ ही में ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है, और अपनी लोअर लैश लाइन पर वही शेड में स्मज कर रही हूँ जो मैं अपनी क्रीज में अप्लाई किए थे। काजल मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर रही हूँ, काजल के मैंने ये न्यू आई शेडो पेंसिल है एन वाई बे की, इसको मैं एज ए काजल यूज़ करती हूँ। सो मैंने फिल कर लिया अपनी वाटर लाइन में, और मस्कारा अप्लाई किया है ये मेबलिन का कोलोसल मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है गाइज, इसको मैंने अप्लाई किया है। और लिपस्टिक के लिए मैंने स्टेक वॉकी की लिपस्टिक ली है, बहुत ही प्यारा सा मरून का इंड ऑफ शेड है, आप अपनी अकॉर्डिंग लाइट शेड भी पिक कर सकते हो, मैंने यहाँ अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग डार्क लिप शेड पिक किया है। और
एंड लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी मेकअप फिक्सर। आप कोई भी अच्छा सा मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो, या मैंने ADS का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है, देन डैप डैप करके एक स्पॉन्ज की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे से। तो गाइस यार मेरा लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।